संकट तो गया है टल, अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं। किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना, तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, तेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। अरे बालक, अरे बालक, क्रीड़ा करते जाकर तुम नहीं हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे। हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो?
क्योंकि हिरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजय बाबा। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहां चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन भाई, गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं। सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला, आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा। अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। तुम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में, ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, आप ही संभालिए अपने अनुज के संगीत को, मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। Thank you.
इस होड़ में पीछे न रह जाऊं, इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे, इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद, क्षमा याचित प्रभु, इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित, किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीर सागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। चंद्रदेव, आयुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने। देव सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन रावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी। ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, अब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी, बुआ जी। तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं बुआ जी? और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी? दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र।
इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु, आप हमें शिव सागर से शिव प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है, अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ, अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है, सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ निसंकोच, कहो क्या चाहिए। अरे मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भराई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ, क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, जितना चाहो दुग्ध पान करो। अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। विश्वास की अधिकता से उत्पन्न अहंकार के कारण किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए अब रुक जाओ और क्षीर सागर को सुरक्षित करो। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद गजानन। मैं तो वैसे भी रुकने वाला था मामा जी। विलंब बहुत हो गया है भांजे, अब शीघ्र पुनः प्रतियोगिता का भाग बनो। अरे हाँ मामा जी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु मुझे विश्वास है क्षीर सागर के दुग्ध से मेरे मूषक जी ने
और भी शक्ति प्राप्त की होगी और इससे वो इस प्रतियोगिता को समय के पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है कैलाश अब दूर नहीं। इसका अर्थ है अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में हैं। किंतु विजय से तो आप दूर ही रहेंगे कुमार कार्तिकेय। मैं आपको विजयी होने नहीं दूंगा। रावत। अग्नि देवता का कैलाश में होने वाला है आगमन, किंतु गजानन ने तो अभी अभी प्रयाण किया है क्षीर सागर से। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में गजानन समय की पूर्ति कैसे करेंगे? नारद आश्चर्यचकित। से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे। इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक, कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक? जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। नारद आश्चर्यचकित, अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं। गजानन, विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते। शीघ्रता करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ है गजानन को? प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन। रावत! अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन। हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते। संजी, शीघ्रता कीजिए गजानन, शीघ्रता कीजिए। पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता। Thank you.
अभिषेक जी, अब आप भी आगे बढ़िए। ये क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया? कैलाश में प्रवेश कर नहीं पा रहा हूं और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही है। गजानन कहां रह गए? अभी तो पीछे था, किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे? इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया, ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। ये तो कुमार कार्तिकेय है, वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन? आश्चर्य है, अद्भुत गजानन। माँ, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। गजानन यहाँ?
स्थाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोग से बाहर आई थी वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्य लोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है, तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओ हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो, प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव, अब प्रथम पूज्य प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है और वो विजेता है गजानन। गजानन किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ अनुचित है ये। हाँ अनुचित है प्रभु, वो तो यहां से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो
कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेव। अब मैं वो घोषणा करूंगा जिसकी गूंज समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और जगत के प्रत्येक गण तक पहुंचनी चाहिए। देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, आकाशगण, पातालगण, भूगण, जलगण, दीर्घगण, लघुगण, पशु पक्षी और समस्त चराचर जीवगण, सभी गणों के ईश गजानन आज से गणेश कहलाएंगे। गणेश कहलाएंगे। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता होंगे गणेश। महाकाय मुक्ति के गणेश, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, सिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश विघ्नहर्ता गणेश। इसलिए आज से एक नवीन विधान का भी निर्माण होता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता
गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। मुझे बहुत गर्व है कि गणेश ने आज अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। देवताओं के साथ साथ संपूर्ण जगत की भलाई का कठिन दायित्व भी स्वीकार किया। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए। सिंदूर बदन नाम तब से तुम पाए। कामना प्रतीक मूस को तुम हराए। उपकार उस पे किए वाहन बनाए। माता पिता सर्वपरि तुमने बताया। प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया। विघ्न हरता भी तुम हो विघ्न करता भी तुम। प्रथम पूज वंदन तुम्हारा करें हम। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता आपके पुत्र गजानन ने देवता पद तो पूर्व ही प्राप्त कर लिया था किंतु आज प्रथम पूजनीय बनकर आपका वचन भी सार्थक कर दिया। नारायण नारायण। हाँ माँ मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अनुज गजानन गणेश ने न केवल अपनी योग्यता प्रमाणित की अपितु ये भी दर्शा दिया कि बल और बुद्धि दोनों में ही वो सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी विजय तो मेरी भी विजय है अनुज। सत्य तो ये है भैया कि मेरी विजय का श्रेय तो आपको ही जाता है। मुझे? वो कैसे? मेरे आदर्श तो आप ही हैं भैया। मैं तो सदैव आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके समान बनने का ही प्रयत्न करता रहा हूँ और मेरी सफलता पर आपको गर्व होने से मुझे प्रेरणा मिलती है। उसी के कारण तो ये सफलता प्राप्त की मैंने। तुम दोनों भाइयों के बीच सम्मान और प्रेम सदा बना रहे यही मेरी कामना। आज मेरे दोनों पुत्रों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ। आपके दिए संस्कार और पिताश्री के आशीर्वाद से ही तो हम योग्य पुत्र बन सके हैं माता। कल्याण हो। Thank you.
मेरा मन तो नहीं कर रहा है माता, किंतु अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि दक्षिण में मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे अनुमति दीजिए माता। कर्तव्य तो सदा सर्वोपरि होता है पुत्र। कार्तिकेय प्रस्थान की घड़ी है आई, आज पुनः बिछड़ेंगे अनुरागी भाई। सुमुख अब अनिवार्य है विदाई देना, भावुक हृदय अश्रु पूरित है नैना। प्रथम पूज्य देवता गणेश, आपके साथ इस अद्भुत यात्रा में हमें बहुत सारी सीख मिली। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। इस यात्रा में आप सभी के साथ रहना तो मेरा सौभाग्य था देवराज। मुझे एक ऐसा आभास हो रहा है। इंद्रदेव इस प्रकार लड़खड़ाए क्यों? क्या हुआ देवराज इंद्र, आप कुशल तो है ना? विलग होकर कहां जा रही है? त्रिदेव माताओं, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अभी देखा, क्या वो आपको भी दिखाई दिया? नहीं पुत्र, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। यदि माता का ध्यान उस पर नहीं गया तो उन्हें व्यर्थ चिंतित करने का कोई लाभ नहीं। ये क्या था? जब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा तभी बताऊंगा उन्हें। पुत्र, प्रतीत होता है तुम बहुत थक गए, तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। विश्राम करने के पूर्व मेरा सत्य ज्ञात करना तो अत्यंत आवश्यक है। अरे ये
स्मार्ट कंपन कैसा था? ये अकस्मात कंपन कैसा था? अकस्मात क्या हो रहा है? ये क्या? यमदेव जी अपने कार्य में असफल क्यों हो रहे हैं? वायुदेव भी अपने कार्य में असफल हो रहे हैं। अग्निदेव की शक्ति भी कार्य नहीं कर रही। मेरी शक्ति यज्ञ का तेज क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? देवताओं की शक्ति भी जैसे कोई हर रहा है, ज्ञात नहीं उन्हें स्वयं इस बात का आभास हो रहा है या नहीं। ये किस अनिष्ट का संकेत है? मुझे शीघ्र इसके पीछे छुपे रहस्य को ज्ञात करना होगा। अनुचित अवश्य है। प्रतीत होता है जैसे सृष्टि के समस्त तत्वों को कोई सोख कर उनकी शक्ति को छीन कर रहा है। किंतु कहां विलीन हो रहे हैं ये तत्व? कौन सी अनिष्टकारी शक्ति ने अपनी ओर खींच रही है? ये सभी तत्व तो एक ही ओर जा रहे हैं। वहां जाकर देखता हूं। मूषक जी चलिए। महासंकट का षड्यंत्र रच रहा है, मुझे शीघ्र ज्ञात कर रोकना होगा उसे। ये कैसे स्वर्ण, रजत और लौह के विचित्र स्तंभ है जो एक साथ मिलकर ये त्रिकोण बना रहे हैं? नमः शिवाय। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे पिताश्री के मंत्रों की शक्ति ने ही मुझे वहां प्रवेश करने से रोक दिया? ओम नमः शिवाय। क्या सत्य में पिताश्री महादेव के मंत्रों का जाप हो रहा है यहाँ? कौन है जो इन मंत्रों की शक्ति से
मुझे वहाँ जाने से रोक रहा है और इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? जो भी है ये तो किसी महासंकट का ही संकेत है। इसकी गहराई तक पहुँचने में विलंब नहीं कर सकता मैं। प्रतीत होता है जैसे किसी बड़ी आसुरी शक्ति के प्रभाव में कोई अत्यंत भीषण योजना रची जा रही है यहाँ, और शिव भक्ति के स्वरों की गूंज भी सुनाई दे रही है। अर्थात पिताश्री को इस रहस्य का भेद अवश्य ज्ञात होगा। उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। पिताश्री के ध्यान में व्यवधान डालकर सृष्टि का अहित नहीं होने दे सकता, किंतु सृष्टि यदि इसी प्रकार पंच तत्वों से रहित होती रही तब तो संपूर्ण जीवन का अहित होगा। फिर तो मुझे ही शीघ्र इस संकट से उबरने का उपाय ढूंढना होगा। कौन सी चिंता है जिससे मेरा पुत्र उलझन में है? माँ, वो मन में जो भी है वो कहने से, किसी अन्य के साथ अपनी समस्या को साझा करने से समाधान सरल हो जाता है पुत्र। माँ, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य मांत्रिक शक्ति ने विफल कर दिया। त्रिपुर,